होशी बेटा, संभाल अपने आप को बेटा। देख, सारे कंकड़ तूने फिर बीच में मिला दिए। पता नहीं मां क्या होगा, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक हो जाए। मां, रणवीर जी की जमानत हो जाएगी ना? तू चिंता मत कर बेटा, समधी जी और वसुंधरा जी अपने बेटे की जमानत जरूर करवा लेंगे। सुना है दिल्ली का बहुत बड़ा वकील किया है। माँ जी, मैं जरा नहाने जा रही हूँ, मुन्ना के पास कोई बैठेगा? चल बेटा। मैंने कहा था ना, मेरे रणवीर छूट जाएंगे, छूट गए। ना, इसकी परमिशन ना थारे को। मैं जाती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी जीजी को इनसे मिलने दीजिए। मेरी रानी को संभाल, उसकी आंखों से एक भी आंसू मत बहने दीजिए। मैं अपनी दोनों अमानत आपको सौंप के जा रहा हूं। रागनी, तुम रो क्यों रही हो? तुम जानती हो मैं हर पल तुम्हारे साथ। इस वक्त भी मैं तुमसे दूर कहां, मेरा अंश है ना तुम्हारे पास। चल भी ले, घनी मुलाकात होली।
चलो थोड़ी देर के लिए इसका ध्यान तो हटा रागिनी और रणवीर की समस्या से। ओरे ओरे ओरे। आ है खुशी कि तू रोने लगा। अरे मुझे इस टीवी की वजह से परेशान हो रहा होगा, बंद कर दो। अभी हम टीवी बंद कर रहे हैं। कौन सा है वो? प्रतिज्ञा 7 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे स्टार प्लस पर। खुशी इंद्रजीत के बेटे रणवीर जी को दिखा रहे हैं। आज कोर्ट में रिहाई की सुनवाई हुई। माँ सूत्रों के अनुसार श्री धनंजय सिंघानिया ने अपनी तरफ से बचाव पक्ष का दावा करने के बावजूद रणवीर राजवंश की रिहाई निरस्त कर दी गई। मैंने आप लोगों से कहा था जरा से मेरे मुन्ने पर ध्यान दीजिएगा और आप दोनों एक ही टीवी में लगे हुए हो। अगर आप लोगों से नहीं होता तो मुझे बोल देते ना, मैं खुद ही संभाल लेती। वीनू की बहू टीवी में रणवीर जी का दिखा रहे हैं, उन्हें जमानत नहीं मिली बेटा। रणवीर जी और उनकी जमानत जाए भाड़ में। देखा कैसे गीले पालने में लेटा दिया मेरे बेटे को, अब इसे बुखार हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? युकी बाबू तुझे क्या लगता है हमें अपने बच्चे की चिंता नहीं है? चिंता सब समझती हूँ मैं, सारा ध्यान आप लोगों का दूसरी तरफ लगा रहता है। अरे जब से ये पैदा हुआ है किया क्या है आप लोगों ने इसके लिए? हाँ जब पहली बार भी घर आया था तब भी इसका स्वागत करने के लिए कोई भी नहीं था। चलो क्या छोड़ो स्वागत नहीं किया लेकिन कम से कम पूरे घर को कूड़े का डिब्बा बनाकर चले गए थे आप लोग। इसकी आरती भी मेरे वीनू जी ने उतारी है। बिना आरती के बच्चा अगर पहली बार घर आए तो कितना अपशगुन होता है जानती है आप लोग? और नामकरण, इसके नामकरण के बारे में मेरे अलावा किसी और ने सोचा भी है? यहाँ तो बस सबको अपनी बेटी और अपने दामाद की चिंता है। अरे माँ जी कभी गलती से अपने बेटे और अपनी बहू की भी परवाह कीजिए। जबान को लगाम दे वीनू की बहू। शर्म नहीं आती तुझे उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हुए? अरे कोशी चुपचाप सब कुछ सह लेती है, इसका नाजायज फायदा उठाएगी तू? तेरे सास ससुर ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, इनाम का 2 लाख रुपया तेरे हाथ में धर दिया, इसलिए तेरे बच्चे के लिए और तू जाके अपनी माँ के साथ हार खरीद लाई। बेटी के ससुराल में कोई माँ डेरा डाल के बैठ जाती है, पर मेरी कोशी ने तेरी खुशी की खातिर उसकी हर बदतमीजी बर्दाश्त की। अरे तेरे अस्पताल का बिल चुकाने के लिए मेरी कोशी बेचारी ने अपने सारे जेवर गिरवी रखी है, तेरी माँ होती तो देती अपना जेवर। अरे तू किस मुंह से रणवीर जी को कोसती है? भूल गई तू जब वीनू जेल गया था तो ये रणवीर जी ही थे जिन्होंने उसकी जान बचाई। अरे वो उपकार भी भूल गई तू? उस वक्त तो तेरी जान सूख रही थी, आज जब रणवीर जी पे बनाई है तो पल्ला झाड़ लिया। चल खुशी रागिनी को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी साधना? पहले के कम टेंशन है हमें, एक जिम्मेदारी सौंपी थी हमने कि रागिनी का ख्याल रखना, लेकिन वो भी तुम निभा नहीं पाई। मम्मी जी, जीजी बहुत ज्यादा जिद कर रही थी, उन्होंने कहा कि लेकिन हमने तुमसे क्या कहा था साधना? ये ख्याल रखा है तुमने उसका, तुम उसे समझा नहीं सकती थी, ऐसी हालत में तुम उसे कोर्ट लेकर आ गई।
वसुंधरा जी, रणवीर जी की रिहाई पर रागिनी खुद उन्हें ले जाना चाह रही थी। हाँ, घर में अकेले परेशान हो रही थी इसलिए जिद कर बैठी होगी। इसमें साधना बेचारी की क्या गलती? शर्मा जी प्लीज, हमारे घर के मामले में दखल ना दे तो बेहतर होगा। ये सब क्या कह रही हो तुम? सॉरी शर्मा जी, पशु की तरफ से मैं आपसे नहीं, ये प्रेस वाले टीवी वाले जरा जरा सी बात का बतंगड़ बना देंगे। छोटी सी बात है, भूल गई। अब चलिए इंद्रजीत। रे यादव। हाँ साहब। रे देखना रा राजवंश साहब का हाल। रे बिन का दुख दर्द मैं ना बांटूंगा तो और कौन बांटेगा? कुर्सी ले आ। अब मैं खड़ा खड़ा तो इनका दुख दर्द बांटने से रा। देखा रणवीर राजवंश जी, आपके डैडी जी ने एक मिनट में हमारी कमिश्नर साहब से बात करा दी। मम्मी जी ने बड़ा वकील कराया था मोटी फीस देके। ये नतीजा निकला है। वैसे राजवंश साहब, आपकी घराली आपने घना प्यार करे है। हाँ, अरे राजवंश साहब, मैं तो थारी घराली देखकर तंग ही रह गया जी। कैसे गाड़ी के पीछे पीछे बाजी चली आ रही थी। ओए होए होए होए, मन्ने तो ऐसे सीन सिर्फ फिल्मों में देखे हैं। बड़ा इमोशनल सीन था वो। आय हाय 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 हाय, लव मैरिज की थी के? आए? सर जी, एक सवाल मारे भेजेगी ऐसी तैसी करन लग रहा है। इब मन्ने सोचा कि पूछ ही डालूं, क्यों अपने भेजेगी ऐसी तैसी करवाऊं मैं है? जब आपकी घराली घनी सुंदर है, आपको इतना लव करे है, फिर भाभी के संग घूमने की के जरूरत थी? ना ना, अभी जवाब देने का मूड ना है तो कोई बात नहीं, फिर फुर्सत से दे देना। लेकिन ये कैसे हो सकता है?
बात इस हद तक पहुंची कैसे? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये मामला इतना सीरियस हो जाएगा। शुक्र है रागिनी को होश आ गया, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस हाल में वो केस की टेंशन ले। मिस्टर सिंघानिया, कुछ तो बताइए, रणवीर को किस हद तक सजा मिल सकती है? मिसेज राजवंश, पहले रणवीर मुजरिम साबित होगा, फिर सजा होगी उसे। आप इतना नेगेटिव क्यों सोचती हैं? ठीक है, आज बेल नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि रणवीर को सजा होगी। मुकदमा शुरू कहां हुआ है? लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये केस अदालत में इतना जल्दी दाखिल कैसे हो गया? I'm really shocked. ये सब हुआ है उन मीडिया वालों की वजह से। अमीर गरीबी का एंगल उनके लिए बहुत मजेदार होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी ये बात बढ़ा चढ़ा के बोली है, जैसे अमीरों के खिलाफ पर्सनल जंग लड़ रही है। जब अमीर गरीबों का सामना हुआ है तो पता नहीं लोग अमीर को दोषी क्यों मानते हैं। कोई बात सुनने समझने को तैयार ही नहीं होता, और इसका फायदा उठाते हैं गरीब लोग, क्योंकि पब्लिक की सिंपथी उनके साथ होती है, और फिर जज भी इसी दबाव में आ जाते हैं। But don't you worry, मैं सब संभालूंगा। So मिस्टर सिंघानिया, what do you suggest? अब हमें क्या करना होगा? मिस्टर सिंघानी, आप जल्द से जल्द कुछ कीजिए। मेरा भाई 2 दिन से जेल में, मुझे मेरा भाई घर वापिस चाहिए बस। Don't worry, Alec. Don't worry. अब मुझे इस केस की गहराई तक जाना होगा। मौका है वारदात पर जो लोग थे, मुझे उनसे बात करनी होगी। एक था रणवीर और दूसरी आपकी बहू साधना थी ना, मुझे उससे बात करनी है। वो मैं साधना को बुलाता हूँ। Come on. छोड़ो मुझे जीजी, छोड़ो मुझे साधना। नहीं जीजी, जी मुझे छोड़ो जीजी, मेरे पास जाने दो मुझे। मुझे मेरे रणवीर के पास जाना है। उनकी आपकी तबीयत, मेरे रणवीर के पास जाना है। उनकी आपकी तबीयत, मुझे जाना है रणवीर के पास। छोड़ो मुझे, रुक जाओ। मुझे कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे मुझे रणवीर के पास जाना है। रागिनी बेटा, हमारी सारी बात सुनो। रागिनी नहीं, मुझे रणवीर के पास। नहीं रागिनी, इस वक्त तुम नहीं जा सकती हो। हम बाद में तुम्हें जरूर मिलवाएंगे रणवीर से। इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है। हम तुमसे वादा करते हैं, हम तुम्हें रणवीर से जरूर मिल पाएंगे। हाँ? नहीं रागिनी, ऐसे हिम्मत नहीं हारते हैं। हम जानते हैं तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन ये सब करने से रणवीर छूट कर तुम्हें आ जाएगा। हाँ? हमें जो भी करना है सोच समझ कर करना है। हम सब मिस कर रहे हैं रणवीर को। बस कुछ वक्त फिर हम रणवीर से तुम्हें जरूर मिल पाएंगे। बस अब एक पल के लिए भी मैं रणवीर से दूर नहीं रह सकती। प्लीज मेरे रणवीर को वापस ले आइए। हम जानते हैं रागिनी, लेकिन हमारी बात समझो, ये सही वक्त नहीं है रणवीर से मिलने का। तुम आराम करो, आओ चलो हमारे साथ चलो कमरे में। दीदी रागिनी, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।